الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا जिसने सारी कायनात को अकेले तरह तरफा पैदा किया वही हम सबका अकेला रब्बुल आलमीन है, मालिकुल मुल्क है और हम सबकी इबादतों का मुस्तहिक वही अकेला अल्लाह है। उस अल्लाह का हम पर बेइंतहा फजल और शुक्र है कि उसने हमें दीन इस्लाम जैसी अजीम दौलत से नवाजा और हम ही में से एक रसूल को भेजा जो हमारे रहनुमाई करे और मेरे और आपके लिए मशाल राह बने, जन्नत में जाने का जरिया बने। मेरे दीन भाइयों, अल्लाह ताला का मेरे और आपके ऊपर इस बात पर भी फजल है कि हम जिन दिनों से गुजर रहे हैं वो बड़े बाबरकत दिन हैं, बड़े फजीलतों वाले दिन हैं। इसकी अहमियत को अगर समझते होते तो अल्लाह मुसलमान का कोई घर खाली नहीं बढ़ता कि इबादतों में झूम उठता। इन दिनों की अहमियत और इन दिनों की फजीलत को मद्देनजर रखते हुए, यानी सामने रखते हुए, मैं और आप एक दो बातें सुनी कि इबादत के जितने किस्में हैं, चार किस्में, जैसे दिल की, दिल से इबादत होती है, डर और खौफ और अल्लाह से मोहब्बत, और एक है इबादत की सब जबान से होती है, जबान से अदा होती है, जबान से करते हैं हम इबादत, जैसे तस्बीहात, तकबीरात, तहलीलात, जबान को तक रखते हैं, और फेली होती है बदन से आजा और जवारे से हम करते हैं। तीसरी किस्म है इबादत की, जो इबादत हम अंजाम देते हैं, और चौथी है माली इबादत, कल्बी, औली, फेली और माली। ये चारों किस्म की इबादतें
इन दिनों में अदा की जाती है, इन दिनों में हमारी नजर आती है कहीं तस्बीहात पढ़ते हुए। और दिल में इखलास सबसे पहले दिल में इखलास अगर ना हो तो कोई इबादत नहीं होती। तो दिलों के अंदर जज्बा जब तक पैदा नहीं होता, दिलों के अंदर जब तक खलूस पैदा नहीं होता, तो इबादत का वो शौक, वो फजीलत, वो इबादत का मकाम और मर्तबा भी मिलने को नहीं आता। तो दिल में इखलास, साथ में जबान में तस्बीहात उसका इकरार, तहलीला अल्लाह की बड़ाई की बिरयानी, अल्लाह तू बड़ा है, मैं छोटा हूं अल्लाह, मैं अदना सा हूं, अकीर हूं तेरे सामने, तू अजीज है अल्लाह, तकबीरात पढ़ते भी ये जज्बा हमारे दिल में होगा। खाली पढ़ना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह काफी नहीं होता, दिल के जज्बों से पढ़े, शौक और शऊर से पढ़े। क्या पढ़ रहे हैं हम? जबान से अदा जो बोल रहे हैं अल्लाह, वो तस्बीहात सुभान अल्लाह, अल्लाह के घर में बैठे हैं अल्लाह, वो अल्लाह जो अजीम है, कायनात का रब है, वो सारी कायनात को चलाकर अपनी मुट्ठी में रखता है, ये सारे जज्बे हमारे दिलों में पैदा होते हैं उसके तकबीरात तस्बीहात पढ़ते हुए। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध, जमीन का कोई जर्रा और कोई चौपा ऐसा नहीं है जो अल्लाह की बड़ाई और तस्बीह ना करता हो। हम ही वो बदनसीब हकीर ही हम लोग अल्लाह ताला के सामने बहुत कम मर्तबा रखते हैं, अल्लाह के पास उसका मर्तबा बड़ा अजीम है। सारी कायनात उसकी तस्बीहात में गूंज उठती है इन दिनों में। जैसे ये हाजी हज के लिए निकलते हैं तस्बीहात पढ़ते हुए, पिछले जुमा हम सुने कि हर मंजर हर पत्थर हर शजर हर पत्ता अल्लाह की तस्बीह में बयान करता है, अल्लाह की तस्बीह में मगन हो जाता है। तो मैं और आप भी अपनी बदनसीबी को क्यों बोले, हम जबान बोले अल्लाह के लिए, तस्बीहात पढ़े दिनों में कसरत से, जिक्र असकार में बिजी हो इन दिनों को, गनीमत जाने मेरे भाई। और फैली बात अंजाम देते हैं, हम नमाजें पढ़ते हैं, फराइज की अदायगी के साथ साथ कुर्बानी खरीदने के लिए भी निकल पड़ते हैं, और माली इबादत जैसे कुर्बानी खरीदते हैं, कुछ खर्च निकालते हैं उसके लिए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुर्बानी करने के तानों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीने में रहे, तो 10 साल में अल्लाह के नबी कुर्बानी देते रहे, यह हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में। तो मेरे दीनी भाइयों, अभी मेरे और आपके सामने सिर्फ 4 दिन बाकी है, हफ्ता इतवार पीर मंगल चाशुबे को ईद है, यौम नहर, जो इन दिनों में सबसे अजीम दिन है, और इन दिनों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजलु अय्यामि दुनिया, बहुत बड़े हैं अल्लाह के पास ये दिन, और इन दिनों में इबादत करना ऐसा है अल्लाह के पास कि हम अपने आप को पाकीजा करने के लिए दूसरे साल भर की इबादतें साल भर के दिनों में हम अंजाम दें तो भी पाकीजगी उन दिनों में नहीं होती जिन दिनों इन दिनों में होती है। मतलब ये कि इन दिनों में अल्लाह ताला के पास हम अपने आप को माफ करने के लिए, अपने दिल का सफाया करने के लिए, अपने ईमान को बढ़ोतरी देने के लिए, और सवाब भी मामिन अय्यामिन अज़का इंदल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला वला अअलम मिन खैरिन यअलमुहु मिन अय्यामिल अशर मिन अय्यामिद दुहा। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन दिनों में पाकीज़गी अल्लाह के पास बहुत ज्यादा होती है। मेरे भाइयों, भूले हो गए हम लोग, नादान हो गए हम लोग इन दिनों की फजीलतों से। रमजान आता है तो लोगों का एहतमाम तो हो जाता है, रमजान से भी बढ़कर इबादत, रमजान से भी बढ़ जाती है इन दिनों की इबादत, फजीलत वहां भी है अपनी जगह, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज से सहाबा इकराम ने मेरे और आपकी परेशानी दूर करते हुए कहा, हम सब की जो परेशानी होती है जिहाद से भी ज्यादा, मुजाहिद जो आदमी अपने आप को शहादत के मकाम पे दे जाता है उससे भी बढ़कर क्या, दुनिया में सबसे अजीम इबादत शहादत का मर्तबा, सबसे अजीम इबादत अल्लाह की राह में अपने आप को कुर्बान करना, जान की मान की बाजी लगाना। सहाबा पूछते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन अय्यामिन अल-अमल अस-सालिह फीहा अहब्बु इला अल्लाह, अल्लाह ताला को इन दिनों में किए जाने वाले आमाल अल्लाह को बहुत महबूब जानते हैं, पसंद। अल्लाह जिसको पसंद करे दुनिया का कोई माई का लाल नहीं उसको बिगाड़ सके, उससे दुश्मनी कर सके। इन दिनों में किए जाने वाले इबादतों को अल्लाह महबूब करते हैं, पसंद करते हैं। यानी आशर, यानी आशर जिज्जा के 10 दिन
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा पूछते हैं, قال يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله, कि अल्लाह के नबी जिहाद जैसा अजीम मकाम जो है उसको उससे भी ज्यादा बढ़कर पसंद है अल्लाह को? قال अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वला जिहाद في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء, यानी वो आदमी इन दिनों में किए जाने वाले इबादात जिहाद में जो आदमी अंजाम देता है, अपने जान की बाजी लगाता है, उससे भी ज्यादा फजीलत वाले, उससे भी ज्यादा महबूब है अल्लाह का अमल, मगर उस आदमी के अलावा जो अपनी जान की बाजी लगाए और अपने जान को मार को खो दे, यानी शहादत, मुजाहिद से कम, जो जिहाद में आदमी शहादत शहीद से कम, शहीद हो जाता है आदमी उससे कम है, तो आप समझो कि रमजान मुबारक में किए जाने वाले इबादतों से भी ज्यादा अफजल है। मेरे भाइयों, अब आइए कुर्बानी की तरफ। कुर्बानी बोलते ही हमारे जहनों में एक जानवर नजर आता है, गोश्त कबाब नजर आते हैं। वल्लाह मेरे भाइयों, कुर्बानी, असल कुर्बानी जो है, मैं आज आपके सामने जो बात सुनाना जो चाह रहा था वो यही, कुर्बानी की जो असलियत है, कुर्बानी का जो अहम मकाम है क्या है, उसको जरा हम समझें, उसको हम जरा जाने। हजरत इब्ने हजर अलैहिस्सलामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं आज के दिन के, यानी जुमा के दिन के बारे में, कि ज़िलहिज्जा के दिनों में जो जुमा आता है वो जुमा दीगर जितने भी अय्याम हैं साल भर के, अल्लाह अकबर, साल भर के जितने भी अय्याम हैं, जितने भी जुमा हैं, तमाम जुमों से भी ज्यादा बढ़कर ये जुमा की फजीलत और उसका मकाम, क्योंकि ज़िलहिज्जा अल्लाह को महबूब अय्याम है। इन दिनों में किए जाने वाले बंदे, इन दिनों में करने वाले इबादत, वो लोग भी अल्लाह को महबूब है, इसलिए इसमें आने वाला जुमा भी सुभान अल्लाह, मूंछ वगैरह तो नहीं काटे, नाखून वगैरह भी नहीं काटे, ज़ेर नाफ और बगल के बाल भी नहीं काटे, साथ लाए हैं बोझ, मगर इरादा है अपना, अज़्म इरादा और अपने दिलों का जो खुलूस है वो अल्लाह जानता है, मेरे और आपके दिलों में कितना इखलास है अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे भाई को इन दिनों को गरीब जानते हुए अपने दिलों को पाक करो, सबसे बड़ी कुर्बानी है, सबसे बड़ी कुर्बानी अपने दिलों के कलेजों में जो बैठे हुए हैं वसवसे, जो बैठे हुए हैं ख्वाहिशें, जो लज्जतें दुनिया को देखकर उसकी अरमाने जो लगा के बैठे हैं, उसको दबा करो, उसको कुर्बान करने का अज़्म पता करो, ये असल कुर्बानी है। नफरतें हैं, बहुत अदावतें हैं, भाई से जलन है, दूर करो पहले, वरना कुर्बानी कुर्बानी नहीं होती। दिलों के अंदर सबसे पहले पैदा करना है मेरे और आपके लिए, ये बड़ा अमल है, बहुत बड़ी कुर्बानी है, ये सबसे अजीम कुर्बानी कहलाती है, कहलाई जाती है इखलास। जितना आपका अजीम होगा, आपकी इबादत छोटी भी सही मगर अजीम मर्तबे पे आपको ले जाती है और पहुंचाती है। तो कुर्बानी के सिलसिले में पहली बात मैं और आप ले जाने, उसके बाद रिया और नमून को दूर करें। रिया और नमून अगर जहां है वहां इखलास नहीं है। और कुर्बानी का जो अहम मकसद है अल्लाह की कुर्बत, कुर्बानी जो कहते हैं कुर्बा से जो निकला है, करीब होना, करीब होना, आदमी अल्लाह के करीब उस वक्त होता है, अल्लाह ताला जैसे फरमाया कुरान मजीद में, वस्जुद वक्तरिब, सजदा कर और मेरे करीब हो जा। वक्तरिब कहते हैं जो बेटर बेस्ट बोलते हैं, उसमें बेस्ट जो है ऐसा ही कुर्बा करीब माना है, बहुत से बंदा बहुत करीब होता है, अपने माथे को टेक कर अपने आजिजी जाहिर करता है। कुर्बानी भी ऐसे ही है, माली इबादत है ये, कि माली इबादतों में जो सबसे अहम कुर्बान, जो अहम इबादत है वो यही कुर्बानी है। माल पे जो जमा कर रहा है, छुरी चला रहा है आदमी, अपने पैसों से जो खरीदा है वो जानते, जो ख्वाहिशात नहीं है उसके, वो अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का एक बेहतरीन मकाम और जरिया है। और यह कुर्बानी मेरे और आपको अबुल अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को याद दिलाती है। अल्लाह कुर्बानी को नहीं, याद रखो कुर्बानी एक नहीं थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, बाप बेटे की, बाप बेटे की ईद उल अज़हा जैसे आता है हमारे जहनों में, हम बच्चों को भी यही सुनाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को मैदान में ले गए, छुरी चलाने गए और इब्राहिम जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोका अल्लाह ताला। भाई ये वाकया है अपनी जगह, मगर हम एक छोटा छोटा कहकर ना दिखाएं, ये बहुत बड़ा है, एक नहीं
वही वाकिया उसी वाकिया को जरा दोहराओ। एक कुर्बानी नहीं थी वहां पर, कई कई कुर्बानियां थी। सालों बाद अल्लाह ताला बेटा दिया, सालों के बाद लगभग 80 साल की उम्र में महरूम हो गए थे अपने आप में। उदासी मोल लिए थे, उदासी का मतलब महरूमी, ये कहलवा लिए थे, यानी बांझ का धब्बा पड़ गया था हजरत हाजरा अलैहि सलाम पर। उसके बाद अल्लाह औलाद दिया, जिसको देना चाहे अल्लाह किसी को भी दे सकता है, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला उस वक्त औलाद दिया जब वो समझ गए थे अब औलाद नहीं होने वाली है, ऐसे मौके पर अल्लाह औलाद दिया। 80 साल की उम्र के बाद अल्लाह औलाद दिया, ऐसे बेटे को जमा करने को कहा जा रहा, चलो फिर कुर्बानी दे देंगे। इब्राहिम अलैहि सलाम को सलाम की जो बड़ी कुर्बानी ये भी थी वहां पर कि दे देंगे बेटे को जमा कर देंगे, मगर बेटा भी एक ही है ना, अकलौती औलाद, अकेला है बेटा, उसके बाद वारिस तुम कौन भी नहीं है, उसके बाद है ना मेरे बच्चे, मेरे औलाद बोलने का भी नहीं है वहां पर, अकेले इस्माइल अलैहि सलाम है, उनके अलावा औलाद नहीं है, ये भी कुर्बानी है वहां पर। और पहला बेटा माँ बाप के लिए पहला जो औलाद होती है बहुत प्यार लाड होता है, दीगर औलाद के मुकाबले में पहलन को तो बहुत ज्यादा मोहब्बत दिखाते हैं, उसके ऊपर भी छुरी चल रही, सुभान अल्लाह। ये भी कुर्बानी है कि एक मरतबा आसमा जा चुके हैं इब्राहिम अलैहि सलाम, कैसे हाजरा अलैहि सलाम को और इस्माइल अलैहि सलाम, दूध पीते बच्चे, छोटे बच्चे, कौन छोड़ जाता है, मजाक बना लिए लोग आज व्हाट्सएप में स्टेटस रखते हैं, क्या बोलोगे कि ईद उल अजहा आती है तो बीवी को भी बयाबान में छोड़ दो, सब चले जाके छोड़ दो, छोड़ आने का ये अंदाजा जरा ख्याल करो, अंदाजा जरा पैदा करो, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने अपनी बीवी को और छोटे दूध पीते बच्चे को वहां वादी में जो ना पानी है ना घास है ना ऐसे बयाबान में छोड़ दिया है, एक मरतबा आजमा जा चुके हैं इब्राहिम अलैहि सलाम और इस्माइल अलैहि सलाम, ये वहां छोड़ के आए ऐसे बच्चे की दवा। और 80 साल के बाद लगभग बच्चा ये हजरत इस्माइल अलैहि सलाम बलमा बलमा माहु साया साया कहते हैं हड्डियां पट्टे मजबूत हो गए थे, यानी जरा जवानी की उम्र तो आ रहे हैं इस्माइल अलैहि सलाम, बच्चा 2-3 साल तक माँ बाप संभालते हैं बच्चों को, अब 4-5 साल के बाद बच्चे खुद संभलने लगते हैं, ऐसी उम्र जो माँ बाप के लिए सहारा बनता है, यहां भी कुर्बानी दी जा रही है, यहां भी कुर्बानी हो रही है। इस आजमाइश में भी इब्राहिम अलैहि सलाम खड़े निकले, कुर्बान जाई है इब्राहिम अलैहि सलाम की उन कुर्बानियों के ऊपर, सुभान अल्लाह, फिदा हो जाए मेरे भाई हम लोग इब्राहिम अलैहि सलाम की इन वाकियात के ऊपर। एक वाकई मैं बता रहा हूं, एक वाकई में इतनी सारी कुर्बानियां आई, बुढ़ापे की उम्र में हाथ कपकपाते हैं, ऐसी उम्र में अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है अपने हाथों से जमा करो, अल्लाह हु अकबर, यहां भी देखो कुर्बानी। और ये इस्माइल अलैहिस्सलाम जो अकेले नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे सुभान अल्लाह छोटे, यानी जो बड़ी उम्र को जो पहुंच रहे थे, ये फौरन लब्बैक कहते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस नबी नबी की जो वहीयाना कलिमात पर, नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी ने ख्वाब देखे हैं तो वही है ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो मशवरा करते हैं इस वास्ते नहीं कि तू ना बोले तो मैं रुक जाता हूं, ऐसा नहीं था, ऐ बच्चे तू बोल या ना भी बोल या हां भी बोल मैं करने ही वाला हूं तुझे दुआ, ये था असल मकसद इब्राहिम अलैहि सलाम, ख्वाब में देखे और उठ के मशवरा करके चलो ना बोले तो बैठ जाएंगे, ऐसी बात नहीं थी, अज़्म हुआ और इब्राहिम अलैहि इस्माइल अलैहि सलाम से मशवरा हुआ और कुर्बान जाए इस्माइल अलैहि सलाम की उस कुर्बानी को भी, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, दोनों ने राजी हो गए, दोनों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए और मैदान में आए तो इस्माइल अलैहि सलाम अपने पेशानी के बल बैठ गए, अल्लाहु अकबर, यहां तो रोंगटे खड़े होने खड़े करने वाली बात है, बाप जो अकेली अकलौती औलाद को अपने हाथों से जमा करने के लिए जब आ रहे हैं तो अपने बच्चे का जो चेहरा है इस चेहरे की इस मुस्कुराते चेहरे को देखकर कहीं बिगड़ ना जाए, दिल में नरमी पैदा हो कि हाथ का कभी ना हो जाए और छुरी चलने से रुक ना जाए, ये कहते हुए इस्माइल अलैहि सलाम ने कहा, ये खामोश जबान से कहा, अरे अब्बा जान आपके हाथ मेरे गले पर चलते हुए आप रह नहीं सकेंगे, आपका दिल नहीं मानेगा, ये मोहब्बत जो है बच्चे के ऊपर मेरे ऊपर, ऐ अब्बा जान मैं ये करता हूं कि आप मुझे पीठ के बल लिटाएं और गले के पीछे से दबा गए, अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जबीन कहते पेशानी के बल लिट गए इस्माइल अलैहि सलाम, मेरे भाइयों कुर्बान जाए, असल कुर्बानी तो ये थी, कुर्बानी की असलियत को जरा समझो मेरे भाई, इन दिनों की अहमियत को जरा जानो,
इस्माइल अलैहिस्सलाम की अपनी जगह कुर्बानी वहीं पर हाजरा अलैहिस्सलाम, माँ की दिल का क्या मकाम होगा वहां पर, अपने अकेले बच्चे को मैदान में ले जा रहे जमा करने के लिए। जरा सोचे माए बहने, औरतें भी ख्याल करें अपने अपने शोहरों का जज्बा और शोहरों की जो नेकियां जब करते हैं उनको सपोर्ट करने के बजाय, वो उनके सपोर्ट के हाँ में हाँ मिलाने के बजाय, उनके बदखिलाफी यानी नेकियां करने के बजाय दीगर कामों में उभारना, दीगर दुनिया के कामों में मशगला करना, ऐसी कितनी औरतें नहीं है आज। आज हमें भी कुर्बानी कर रहे, कैसे कुर्बानी कर रहे, जाते हिस्सा ले लेते हैं और गोश्त लाते हैं घर को और रेडीमेड बकरा तो मिल ही जाता है, ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ लिया फौरन फोन करे फौरन आ जाता है। ये कहां की कुर्बानी? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला का जो फरमान है, बहीमा का जो लफ्ज आया अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ولكل امه جعلنا من سكن يذكر اسم الله على على كل امه, यानी अल्लाह ताला इस आयत में क्या कहते हैं, हर उम्मत में हमने कुर्बानी रखा है। अला बहीमा, बहीमा कहते हैं पालतू जानवर को, जब जानवर से उन्स हो जाए, मोहब्बत हो जाए, जब वो एक एक दिन के लिए ना दिखे तो जैसा दिल तड़पता है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों से जैसे मोहब्बत रखते हैं, बच्चा एक घंटे के लिए दो घंटे के लिए नजर ना आए, छोटा बच्चा रेंगता हो बच्चा, कैसे तड़प जाते हैं माँ बाप, कैसा बिलबिला उठते हैं, एक दिन अगर नजर ना आए या दस दिन अगर नजर ना आए तो क्या हाल होता है माँ बाप का। ये जो मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत जानवर के ऊपर, यानी पालतू जानवर, बहीमा का जो बहीमा की जो तफसीर है असल में वो यही है कि पालतू जानवर घर में पलना चाहिए। आज हमारे नसीब पर आए घरों में पलने का तो नाम निशान नहीं, रेडीमेड आता है, इसकी गोल्ड रेडीमेड होके आता है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, दिलों के अंदर सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं, आज हम सब भी, मैं और आप सब भी, जो कुर्बानी का जो माना और मतलब है उसके अहम मकसद को हम मद्देनजर रखें, अहम मकसद को जाने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकियात के ऊपर नजर दौड़ाएं, हम सीरत इब्राहिमी को पढ़ें। ये मोबाइल फोन है हमारे हाथों में, जिंदगी का एक हिस्सा बन गया, अल्लाह ऐसा तो नहीं बनाया कि हमारे बदन का जोड़ है, ऐसा तो नहीं बनाया, हर जगह हमारे साथ रहता है, मगर इसमें ही देखें, इसमें ही जरा टटोलें मारें उस गूगल के अंदर, सुभान अल्लाह भरे पड़े हैं वाकया, उलमाए रब्बानीयत से सुने सच्चे वाकया जो बयान करते हैं, उलमा से सुने या राबता करें उलमा से, बताएंगे लिंक भेजेंगे आपको, वो वाकया सुने, उन वाकया से हम इबरत हासिल करें। मेरे भाइयों, मकाम इबरत है, अभी चार दिन है मेरे और आपके, बाकी चार दिन है ज़िलहिज्जा के, अपने आप को तैयार करो, जो हो सके वो इबादत करो, जितना हो सके वो इबादत करो और होशियारी से करो। ऐसा नहीं है बोलते हैं करते हैं, ये नहीं चलता मेरे भाइयों, कुछ अज़्म दिल के अंदर पैदा होना, कुछ दिल के अंदर बढ़ोतरी होना, जुमा सुने फिर गए फिर मामूल हो गए, ऐसा नहीं कि हम एक इरादा लेके आए, इरादे के साथ जाए फिर घर को लेके जाए इल्म को, और इस इल्म के साथ अमल भी करें। अल्लाह ताला कल कयामत के दिन जो पांच सवाल पूछेगा उसके बगैर आपका कदम मेरा कदम एक भी नहीं बढ़ेगा, उनमें से ये भी है अमल, कितना किया अमल तू, कितना अमल किया, जानता था जो कुछ भी उनके ऊपर अमल कितना था तेरा। मेरे भाइयों, होशियार होने की जरूरत है। और एक खास बात, एक एतराज लोगों का ये भी होता है कि भाई कुर्बानी 12,000 15,000 रखे खरीदने के बजाय आप मिस्किनों में सदका क्यों नहीं करते, मदद क्यों नहीं करते, डोनेशन क्यों नहीं देते? सवाल है, बहुत जनों का सवाल है, सोशल मीडिया में आपकी जैसा फैल रहा है सवाल, सुन लो ये इसका जवाब जो है, सुभान अल्लाह, जो कुर्बानी हम देते हैं उस कुर्बानी को भी हम गरीबों में मिस्कीनों में ही बांटते हैं, सुभान अल्लाह। ये देखो दीन, मेरा और आपका दीन कुर्बान जाए इस दीन के ऊपर, अल्लाह अकबर, एक एक हिस्सा दीन का जाया नहीं है मेरे भाई, दीन का एक एक हिस्सा उसके अंदर हजारों हिम्मतें भरे पड़े, बोलने वालों की जबानें बंद हो जाएंगी इंशाल्लाह ये जवाब सुनकर कि हम कुर्बानी देते भी हैं, मिस्कीनों में गरीबों में बांटना ही अफजल है। कौन ऐसा मुसलमान है जो कुर्बानी दे और अपने घरों में पूरा जानवर रख लेके बैठे, कौन ऐसा बदनसीब है मुसलमान, ऐसे तो नहीं है मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो स्पेन में हो या डेनमार्क में हो, जहां जहां भी जानवरों को हजारों की तादाद में कुर्बानी देते हैं, छुरी चलाते हैं और खून को बेतहाशा, यहूदियों का एक ग्रोह को मुर्गियों को पत्थरों से मार मार कर खत्म करता है, और ईसाइयों का एक ग्रोह, ईसाइयों के पास अपना अकीदा है कि नया साल जब आता है परिंदों को जबा करना और खून को फैलाना, और समझना उनका अकीदा देखो कितना बुरा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह हिफाजत करे, कि उनका अपना कब्रिस्तान मानना, उसे अपनी कत्लगाहें समझना, अपने
अपने आप को हर साल कुर्बानी देते हैं अपने आप को, कैसे परिंदों को जवाब देंगे। ये सब कुछ होता है, सोशल मीडिया में ये कुछ भी नहीं दिखता, अंधे में अंधे दिखता तो यही है कि मुसलमान मुसलमान जानवर जवाब कर रहा है, मुसलमान कुर्बानी दे रहा है, मुसलमान जालिम नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह की पना भाई उनको इस्लाम मालूम नहीं है। हम भी जरा दिल को जगाएं, दिल के अंदर के इखलास को बढ़ाएं। वल्लाह मेरे भाइयों दिलों में ईमान हमारा बुझ चुका है, हमारे दिलों को ईमान को जरा पैदा करो, जरा चलते फिरते चार आदमियों को बोलो भाई इस्लाम अच्छा है, सलाम करो अस्सलाम वालेकुम, सलामती का माना बताओ। अल्लाह पर जानते नहीं, एक हिंदू गैर मुस्लिम हैरान परेशान होता है भाई मुसलमान खाली सलाम सलाम करते, हमें सलाम करे तो होता रेस्पेक्ट नहीं देते तुम्हें। जब जवाब मिला हमको सलामती की दुआ मुसलमानों के लिए है, आप इस्लाम कबूल कीजिए हम दुआ देंगे हम आपकी मददगार बन जाएंगे। العون في عبد الله ما كان العبد في عون اخي مسلم اللہ کے نبی کی تعلیم ہے میرے اور آپ کے لیے، مسلمان کا آدمی جب تک مددگار رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں شامل حال رہتا ہے، مسلمان کا یہ جذبہ ہے کہ جب قربانی بھی دے تو سبحان اللہ اتنی پابندیوں کے ساتھ کہ چھری اس کے سامنے تیز نہ کرے، جب ذبح کرتے ہیں تو دوسرا جانور اس کے سامنے نہ ہو اور اس کو بے تحاشا ایسے ہی ذبح نہ کرے، ایک دم اچھے سلامتی کے ساتھ اچھے انداز میں اس کو قربانی دیں، اس کو اس کا ذبح کریں۔ इतना पासो लिहाज करने के बावजूद भी अंगलियां उठती नहीं तो इसका मतलब यह है कि वो जानते नहीं है, वो नादान ही। उन नादानों को हमें इस्लाम बताना चाहिए, मुसलमानों की जो अजमत है मुसलमानों की जो फजीलतें हैं वो उसको समझाना चाहिए। डेनमार्क में जो वेल मछलियों के साथ खिलवाड़ होता है गेम, वो भी गेम के नाम पर वहां का जो समंदर का पानी रहता है पूरा सिया लाल हो जाता है, उनसे बड़ी बड़ी मछलियां वेल मछलियां उनको जमा करते हैं ये गेम के नाम पर। नऊज़ु बिल्लाह इस्लाम ऐसी तालीम नहीं देता हमारा, इस्लाम जो तालीम देता है अच्छे अंदाज में सलामती के साथ जमा करना है। बहरहाल बताने की बात ये है मेरे भाइयों, कुर्बानी की अहमियत को हम समझे, कुर्बानी की जो फजीलत है उसको हम जाने, माना और मतलब हकीकी जो माना मतलब है उसको हम जाने। कुर्बानी यही नहीं कि एक मरतबा कुर्बान जानवर खरीदे जमा करें, कुर्बानी ये भी है कि फजर की नमाज हम उठ कर मस्जिद की तरफ आए, कुर्बानी ये भी है कि हम इबादत करने पर हमारा दिल मचलता है हमारा दिल बेजार होता है, इस टाइम पे हम अपने दिल के कलीजे के अंदर के जो ख्वाहिशात है उसको गुजरें। कुर्बानी ये भी है कि इबादत को सही तर्ज से हम अदा करें, जब रुकू करने में घुटने में जरा दर्द होता है जो छोटे बच्चे के साथ खेल के हम करते हैं ऐसा नहीं बल्कि पूरे पट्टों को मजबूत पकड़ के, अब घुटनों के अंदर दर्द हो वो दर्द अभी अभी महसूस हुआ तो इंशाल्लाह बुढ़ापे में जो घुटनों का दर्द है वो भी दूर होगा। इस तरह की हिम्मतें वाला दीन में रहना आपका है, ये भी कुर्बानी है। रुकू करते हुए भी अच्छे अंदाज से और हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें, ये भी कुर्बानी है। जब भाई की तरफ से कुछ तकलीफ हो भूल जाए अल्लाह के लिए छोड़ दे कुर्बान करें, छुरी चलाए उन जज्बात के ऊपर जो इंतकाम बुरे इंतकाम लेने के जज्बे हैं इसके ऊपर छुरी चलाए। बहरहाल बताने की बात यही है कि मैं और आप कुर्बानी के असल माने मकसद से दूर हो गए हैं, इसलिए इन दिनों की अहमियत इन दिनों की फजीलत मैं और आप जानते नहीं भूल गए हैं। और अभी करीब में मंगल के दिन इंशाअल्लाह अरफे का दिन है मेरे भाई, तो अरफे का दिन क्या है इससे पहले मैं बताया भी हूँ गुज़िश्ता जुमा हम सुने भी हैं, फिर भी एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अहदसिबु अला अल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह से, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं अहदसिबु अला अल्लाह सौम अरफा के बारे में الصوم يوم العرفة احتسب على الله كفارة السنة الماضية والباقية اللہ کے لئے فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا پچھلے گناہ پچھلے ایک سال کے گناہ اور اگلے ایک سال کے گناہ۔ میرے بھائیو اس کو غنیمت جان کے لئے بقیہ چار دن ہیں تمام بھی انشاءاللہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، ایک دن چھوڑ کر ایک دن صحیح یا پورے آٹھ دن بھی جو رکھیں اللہ روزوں کو قبول کرے، جو نہیں رکھیں رکھنے کی کوشش کریں۔ کم سے کم عرفے کا روزہ، क्या मेरे भाइयों कम से कम अरफे का रोजा जरूर रखने की कोशिश करें। मेरे भाइयों साथ में एक ही बार आता है एक ही दिन का रोजा उसके बाद तो खाने के दिन आया आपके सुभान अल्लाह यौमुल अहद है खाने का दिन यौमुल पर उसके बाद 11वां दिन है उसके बाद दो दिन और भी अल्लाह के नबी की हदीस से बात है खूब खाओ पियो और जखीरा करो यानी बांटो सदका करो जखीरा भी करो बांटो भी जो रखना भी चाहते हैं रखो मगर जरूरी है कि हम सदका मिस्किनों में भी करें जरूर करें जिसको जिस घर तक नहीं पहुंचता गोश्त या दो टाइम या तीन टाइम खाना सहूलत ना हो ऐसे घरों तक हम जरूर पहुंचाएं गोश्त को जो भी हिस्सा हम लिए हैं उसको इखलास के साथ हम
हाँ अमल अंजाम देने की हम कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे और आपकी जो भी नेकियां हैं जो रमजान पिछले रमजान में भी नेकियां किए अल्लाह तमाम नेकियों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस जुमा के दिन इस तेरे घर में बैठने को अल्लाह कबूल कर ले। अल्लाह हम तेरे घर में बैठे जिससे दुआ करते हैं अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह हम बेगुनाह गुनाहों के गुनाहगार के अंदर हम जो गुनाहों में लखपत जिंदगी गुजार रहे हैं अल्लाह हमें जिंदगी की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमा। गुनाहों से दूर होने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। गुनाहों को अपने आप दूर करने और गुनाहों से धुलाई करने की अल्लाह हम सबको तस्किया करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इन दिनों में किए जाने वाले अमल सबसे ज्यादा तस्किया का बाइस बनते हैं अल्लाह हमें इन दिनों में कसरत से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें मस्जिद से दिल लगाने की तौफीक अता फरमा। मस्जिद से अपने आप को जोड़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें जो भी परेशान खान की परेशानियों को दूर कर दे जो भी कर्जदार के कर्जों का बंदोबस्त फरमा दे जो भी मुसीबत से दो चार है अल्लाह मुसीबतों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह मौत के बाद की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। हकीकी जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है उस जिंदगी के लिए तोशा बांधने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह हम सबको मौत के बाद की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। हम सबको कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। कब्रिस्तान जाकर अपना तस्किया करने इबरत हासिल करने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह हम सब में एक न एक दिन मरने वाले हैं अल्लाह मरने से पहले आखिरत का दोषा आखिरत का जखीरा बांधने की तौफीक अता फरमा। तुझसे राजी हो जाने की अल्लाह हम सबको तौफीक दे। ऐ अल्लाह तुझे राजी करने के जो आमाल हो सकते हैं उन तमाम आमाल को अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जहन्नम से हम सबको बचा ले कब्र के अज़ाब से हम सबको बचा ले और जो भी ईमान की हालत में वफ़ात पाए सबकी मग़फ़िरत अता फरमा। آمين رب العالمين بارك الله فيكم القرآن المجيد ونفعنا وإياكم إنه تعالى جبار